नमस्कार, मैं प्रशांत पचौरी और बड़ी खबर जालौन से। जनपद जालौन के कोंच नगर क्षेत्र में कल गिरफ्तार किए गए पूर्व लेखपाल के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आने के बाद एक के बाद एक गंभीर खुलासे होते जा रहे हैं। आज फिर से तीन और नाबालिग लड़कों ने अपने ऊपर हुए सेक्सुअल हरेसमेंट की दास्तां सुनाई। इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर जानकारी के लिए जालौन से हमारे संवाददाता देवेश सोड़कार जी हमारी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है पूरी खबर। देवेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि कल जो पूर्व लेखपाल गिरफ्तार हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में, उसके बाद एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, क्या है ये पूरे खुलासे? दरअसल प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद जालौन के कोंच नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक पूर्व लेखपाल जो कि रिटायर्ड कारणगो से रिटायर्ड हुए हैं, उनके खिलाफ जो है नाबालिग लड़कों ने सेक्सुअल हेरसमेंट का आरोप लगाया और कुछ सबूत उन्होंने पुलिस को दिए हैं। इस मामले पर जब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पूरे मामले की गंभीरता को यदि देखा है, तो स्वयं उन्होंने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की है और आज पुलिस अधीक्षक स्वयं और साइबर सेल की टीम, फॉरेंसिक टीम उसके घर गई है और घर की सघन तलाशी दी गई है और तलाशी में भी कुछ दस्तावेज और मिलने की सूचना आ रही है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूर्व लेखपाल थे और जो भी तथ्य सामने आए हैं, ये कितने दिनों से इस पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में लिप्त थे? दरअसल जो जानकारी बाहर आई है प्रशांत जी, उसके हिसाब से ये कम से कम 2017 से अपने देखरेख में लगे हुए थे और इनका काम क्या था कि लड़कों को या लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने यहाँ बुलाते थे, कि नशीली गोली खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म या उनका यौन शोषण करते थे और उसका वीडियो क्लिप भी बनाते थे और उसके बाद उस वीडियो क्लिप के आधार पर लड़कों और लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे तथा उनसे फिर ये सब जी। इस पूरे खबर में, इस पूरी घटना में जो पूर्व लेखपाल है, उनके परिजन क्या सामने आए हैं? दरअसल परिजनों ने अपने आप को, खुद को इस पूरे मामले से अलग रखा हुआ है और वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे दूसरी बात एक और सामने आई है प्रधान जी, कि इस मामले में कल से लेके आज तक कल दो बच्चों ने, नाबालिग बच्चों ने अपने बयान दर्ज कराए थे और उन बच्चों का कहना यह था कि उन्होंने इस हार्ड डिस्क को चुराया था उस लेखपाल के घर से ताकि वो पुलिस को दे सके, ताकि इसकी काली करतूतें बाहर आए। और उन बच्चों को देने के बाद से जब पुलिस एक्टिव हुई है, साइबर सेल एक्टिव हुई है, तो तीन और मामले, तीन और बच्चे आज बाहर आए हैं। उन्होंने भी अपनी बात बताई है और उन्होंने अपनी आपबीती बताई है। तब कहीं जाकर उनके परिजनों का गुस्सा फूटा है और परिजनों ने, महिलाओं ने नारेबाजी भी की है और दोषी लेखपाल के खिलाफ जो है फांसी तक देने की मांग की है। जी, तो इस पे पुलिस क्या, पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस अभी किन और तथ्यों की जांच कर रही है और आगे क्या करेगी पुलिस, थोड़ी सी जानकारी उस पर चाहेंगे हम। दरअसल पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि मामला बहुत बड़ा है और इस मामले में वो कोई भी ढिलाई नहीं बरत रहे हैं और कोई भी तथ्य या कोई भी सबूत या कोई भी बात ऐसी न रह जाए जिसको आगे चल के कहीं कोई परेशानी हो या कहीं और दिक्कत हो। इस हिसाब से वो खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जैसे जैसे इसमें तथ्य खुलते जाएंगे, अभी हार्ड डिस्क में और भी खुलना बाकी है। और बता दी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस जो हार्ड डिस्क में उसकी जब्त की गई है, बताया ये भी जा रहा है कि उसमें 300 के लगभग पूर्ण वीडियो मिले हैं पुलिस को और पुलिस एक एक वीडियो की जांच कर रही है कि ये आखिर इतने सारे वीडियो किन किन लड़के लड़कियों के हो सकते हैं। जी, आज जो पुलिस ने घर पर चेकिंग की, तो क्या किसी प्रकार की कोई जानकारी दी कि घर से क्या क्या सामान और मिला? नहीं, अभी पुलिस ने सारे पत्ते अपने नहीं खोले हैं और पुलिस अधीक्षक ने इस बारे में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारे तथ्यों को वो बारीकी से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साइबर सेल भी अपना काम कर रही है, फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, आईटी एक्सपर्ट अपना काम कर रहे हैं और जैसे भी सब कुछ जैसे बाहर निकल के आएगा फिर मीडिया को उस पर रूबरू कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। देखिए, थाना कोंच जनपद जालौन में कल दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, धारा 377 IPC।
3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत और आईटी एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अभियुक्त रिटायर्ड कानोगो है और लगभग 63 साल की उसकी आयु है, 3 साल पहले रिटायर हुआ है। तहरीर जो पुलिस को प्राप्त हुई है उसमें नाबालिग बच्चे हैं जिनके साथ में इसने घटना की है और लगभग 2017-18 से ही ये इस कृत्य में लिप्त था और लोग भी कस्बे के सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि 3-4 लोगों के साथ इसने और घटना इस तरीके की कर रखी है। जो एविडेंस हैं, जो DVR है और जो हार्ड डिस्क है, उसका लैपटॉप है, सब पुलिस के कब्जे में है और साइबर की टीम उसमें और इस तरीके की क्लिप्स और इस तरीके के एविडेंस जो भी सामने आते हैं वो निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी मजबूत कार्रवाई होगी इससे भी ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई उसके लिए की जाएगी। तो ये थे हमारे संवाददाता जालौन से देवेश सोड़कर जी, जिन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी हमें बताई कि अभी तक क्या क्या खुलासे हो चुके हैं और आगे पुलिस की क्या रणनीति है। और खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ BK के साथ।